जब तक आप ये वीडियो देखोगे मैं अपनी एक लॉन्ग राइड लूंगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो। और जो मैं यहाँ काम करने आया हूँ वो 2-3 दिन पहले करना था और अभी तक नहीं हुआ। और यहाँ पे पीछे आपको दोनों बाइकें दिख रही हैं, ये किसी कारण के लिए लाई गई हैं, मतलब कुछ करना है इनके साथ। तो आगे की वीडियो के लिए थोड़ा हमारे गैप बढ़ाना पड़ेगा हम दोनों के बीच में, मतलब हम सब के बीच में, दोनों के नहीं, हम सब के बीच में गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो जाइए आप थोड़ा पीछे। तो ये हेलमेट आया है स्टील बर्ड की तरफ से और इसको हम अनबॉक्स करेंगे। तरुण ने पता कैसे करके ऐसे करके कैमरे को कवर कर रखा है ताकि विंड ब्लास्ट ना आए। तो वीडियो के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तो पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो एक ये वाइजर है जो साथ में आया है स्मोक वाला, ये मैंने स्पेशल मंगवाया है, आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही वाइजर मिलेगा। वाइजर की वैरायटी इसमें 10 टाइप की वाइजर वैरायटी आती है। और फर्स्ट टाइम किसी स्टील बर्ड के हेलमेट के साथ इतनी अच्छी पैकिंग मिली है, बिकॉज हेलमेट बहुत ही शानदार है। और जो मैं हमेशा रेफरेंस करता था अब बदलने वाला है। ये एक ऐसा हेलमेट है जिसको मैं अब आपको कह सकता हूँ कि आप हाईवे पे यूज़ कर सकते हो, हर जगह यूज़ कर सकते हो, मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इसमें माउंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ने वाला है आपको। तो चलो इसकी बात करते हैं पहले डिज़ाइन की। ये भी इटालियन डिज़ाइन है और ये भी इटालियन डिज़ाइन है। तो बहुत ही सुंदर बाइकें होती है और बहुत ही सुंदर हेलमेट होता है और बहुत ही सुंदर गाड़ियाँ होती है जो इटली में डिज़ाइन की जाती हैं। तो आप देख सकते हो पहले इसकी शेप जो कि बहुत ही सुंदर है, अलग तरीके से भी दिखाएंगे, सिनेमेटिक शॉट दिखाएंगे, फिलहाल तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये नाका डक टेक्नोलॉजी पे बना है, ये आगे से एक वेंट है और सबसे हाई विंड जो आपके हेलमेट में क्रॉस होगी वो यहाँ से, ये नाका डक टेक्नोलॉजी पे बना है। नाका डक टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी होती है जो फरारी एयरप्लेन होते हैं, हमारे जेट होते हैं, उनके अंदर यूज़ की जाती है, क्योंकि उनका जो इंजन होता है काफ़ी हीट करता है और उसमें से हाई विंड प्रेशर से हवा क्रॉस करे उसके लिए वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और इसमें भी वही किया गया। तो इसकी वजह से जो हिट है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये हेलमेट आप सिटी राइड पे, हाईवे राइड पे या लॉन्ग राइड पे या किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने हेलमेट सिर्फ नेट पे देखा था, मेरे को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे ही हाथ में आया भाई साहब अल्टीमेट। और इसका सबसे तगड़ा चीज़ बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़, मतलब आज तक किसी हेलमेट में नहीं आया, किसी भी हेलमेट में नहीं आया, फोटोक्रोमेटिक वाइज़र है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हेलमेट का वाइज़र है ना, दिन में तो ब्लैक हो जाएगा, जैसे ही धूप बढ़ेगी ये ब्लैक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, और जैसे ही नाइट होगी ये वाइट हो जाता है।
ऐसी टेक्नोलॉजी किसी हेलमेट में नहीं है, जबरदस्त है स्टील बड, पता नहीं थोड़े दिनों में इतना आगे निकल जाएगा, शायद सारे हेलमेट के फीचर्स पीछे रह जाएंगे। धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, हर चीज़ को अपग्रेड होने में टाइम लगता है। मैं पहली बार इतना खुश हुआ हूँ कि ये हेलमेट इस तरीके से है कि ऑसम है। तो जो हेलमेट के बारे में मैंने बताना था मैं बता चुका हूँ, और अब इसका 2-3 दिन का रिव्यू बता देता हूँ। जो आगे इसका बटन लगा हुआ है वो एयर इवेंट के लिए है, और यहाँ से इसका एयर इवेंट है, तो इसकी वजह से अगर वाइजर बंद होगा तो जो हमारा छोटा मोटा फोग बनता है, जो थोड़ी बहुत बनती है, वो शायद हट जाए। कन्फर्म नहीं हूँ बिकॉज मैंने इसको एक्सट्रीम राइड पर यूज़ नहीं किया। सेकेंडली, अगर ये बटन ना भी होता तो यहाँ से एयर जाती है, इतनी नहीं जाती कि आंखों पे फ़र्क पड़े, क्योंकि जो मेरा सोल का जो हेलमेट है उसके नीचे पैडिंग लगी हुई, मतलब जाली लगी हुई है, फिर भी उसके अंदर इतना विंड ब्लास्ट रहता है जितना इसके अंदर आ रहा है, मतलब बिना जाली के इतना कम आ रहा है, मतलब बिना जाली के भी ये कम्फर्टेबल है। और फोटोक्रोमेटिक वाइज़र के बारे में बताना चाहूँगा, फोटोक्रोमेटिक वाइज़र इसका ऐसे है, ये आपका फेस छुपा देगा दिन में धूप में, अगर आप राइड कर रहे हो तो आपका फेस नहीं दिखेगा, ब्लैक हो जाता है, और नाइट में वाइट हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर ये ब्लैक हो रहा है तो आपको सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, आंखों पे पड़ती है। अब बताता हूँ इसके पैडिंग के बारे में। इसकी पैडिंग है यहाँ पे अटैच होती है, इसकी वजह से इधर का फेस है जो ओपन रहता है और आपको हीट महसूस नहीं होती, गर्मी महसूस नहीं होती। और ये जो डक लगी हुई है इसमें क्या है, पीछे की तरफ अगर करते हो तो ठंड लगती है, अभी सर्दी में तो ठंड महसूस हो रही है, गर्मी में ऐसा नहीं होगा। अगर आप रेनी सीजन में अगर राइड कर रहे हो तो ये डक गलती से मत खोलना, बिकॉज सीधा हेलमेट के अंदर बारिश जाएगी, तो ये डक बंद रखनी है आपको रेनी सीजन में। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका जो प्राइस है 3,000 रुपये के आसपास है, अगर आप फोटोक्रोमेटिक वाइज़र नहीं लेते हो। अगर फोटोक्रोमेटिक वाइज़र लेते हो तो उसकी अकेले की कीमत 3400 रुपये है, तो आपको ये 6,000 रुपये का पड़ता है। मैं तो यही सलाह दूंगा, आप फोटोक्रोमेटिक वाइज़र मत लो, 2 वाइज़र ले लो अलग अलग कलर के। इसमें क्या होगा, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं होंगे, वरना 6,000 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं। बट इसकी क्वालिटी है 6,000 रुपये वाली, बट फिर भी अगर आपको पैसे बचाने हैं तो 3,000 रुपये का हेलमेट लेना, एक अलग से वाइज़र ले लेना, बेस्ट है, एक नंबर का काम हो जाएगा। तो ये स्मोकी वाइज़र है, तो इस वाइज़र को लगाने के बाद हेलमेट की जो लुक है वो अलग ही हो जाती है। बट ये जो फोटोक्रोमेटिक वाइज़र लगा हुआ है दिन में ऐसी ही लुक देता है, नाइट में बदल जाएगा, और नाइट में ये काम नहीं आएगा, वही काम आएगा, तो इसलिए मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा, उसी को यूज़ करूँगा। बहुत अच्छा हेलमेट है, और जो मैंने 3-4 दिन में एक्सपीरियंस किया तो मेरे सोल के बराबर का हेलमेट है ये, मेरा सोल और ये, मैं इसको एक ही मानता हूँ। मतलब सोल का मैंने 6,000 रुपये प्लस का हेलमेट लिया था, तो और ये है 3,000 रुपये का, तो आप सोच सकते हो आधे पैसे बच रहे हैं, और डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है उससे। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे सोल वाले हेलमेट के साथ इसको कंपेयर करके देखा, और जो मैंने पाया वो 6,000 रुपये का ज़्यादा कॉस्टली है, और ये 3,000 रुपये का बहुत सस्ता है। सिंपल वाइज़र के हिसाब से वो और ये, तो ये बेटर है। अगर फोटोक्रोमेटिक वाइज़र लेते हो तो प्राइस हो जाता है इनका सेम, लेकिन इसमें आ जाता है फोटोक्रोमेटिक वाइज़र। तो रिव्यू करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कंपेयर करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लग जाती है, और लगता है कि हाँ बहुत, मतलब उनके लिए सही है जो झूठ बोलते हैं, जो सच बोलता है उसके लिए मुश्किल होती है, सब चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती है, वरना पब्लिक सब जानती है। इसको लॉन्ग राइड पे, मोटो व्लॉगिंग में, हर जगह यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है, परफेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।